री सो वट इज बार चार्ट अटार्ट इज अ चार्ट डेट प्रेजेंट कैटेगोरिकल डेटा बार चार्ट कौन सा चार्ट होता है जो डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करके प्रेजेंट करता है विद रेक्टेंगुलर बार्स किस फॉर्म में रेक्टिंग रेक्टेंगल बार्स की फॉर्म में राइट विद हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट। और जो वैल्यू वो प्रेजेंट करना चाहते हैं प्रोवाइड करता है क्या है ये जो पिक्चर है वो किसकी है फेवरेट स्पोर्ट की है तो यहाँ पे कैटेगरी टेनिस हॉकी बेसबॉल ओके एंड वाई एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल मतलब कितने लोगों का फेवरेट है सॉसर कितने लोगों का फेवरेट है बास्केटबॉल राइट right? कितने लोगों का फेवरेट स्पोर्ट uh, है टेनिस तो तो दिस इज गिवन हियर राइट पे बार चार्ट की हेल्प से आप क्या डिफाइन कर रहे हो आप कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो डेटा की राइट right? अब हम क्या करेंगे हम प्रैक्टिकली बार चार्ट को क्रिएट करेंगे तो आपने क्या किया है इम्पोर्ट मेट प्लॉटलेब डॉट्लॉट एस पी एल टी तो आपने सबसे पहले मेट प्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है राइट ओके यहां से हम क्या करते हैं इसका ओके okay, करेक्ट है इंडेशन में मैं इसका सही देख रही थी ओके okay? अब क्या क्या करना है बार चार्ट में आपको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे लेटेस्ट एक्स पोस्ट हम ले लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओके तो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ले लिए हैं पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज ओके देन आपने ले ली आपकी सी राइट नेक्स्ट लैंग्वेज आपने ले ली सी प्लस प्लस ओके एंड देन आपने ले ली जावा ओके तो यहाँ पे मैंने फोर लैंग्वेजेस ले ली हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं हम नंबर ऑफ पीपल ले लेते हैं कि कौन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते ले 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 हैं कि किसने ऑप्ट किया है कौन सी लैंग्वेज को राइट तो मान लो आपने 85 स्टूडेंट ने लिया है पाइथन को और 70 स्टूडेंट्स ने लिया है सी को सी को ओके okay? एंड 60 स्टूडेंट्स ने लिया है सी प्लस प्लस को एंड एटी स्टूडेंट्स ने लिया है जावा को राइट ओके अब सिंपल हमें क्या करना है हमें करना है के बार फंक्शन का यूज राइट तो यहाँ पे पूरा मैंने मेट प्लॉट प्लॉट ना लिख के पीएलटी डॉट बार का यूज किया है पीएलटी डॉट बार और बार फंक्शन में आप क्या पास करोगे आप एक्स सिक्वेंस और वाई सिक्वेंस को पास करोगे राइट right? जो आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कराना चाहते हो और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कराना चाहते हो फाइन और फिर यहाँ पे आपने दे दिया पीएलटी डॉट शो ओके okay. इससे क्या होगा इससे आपका बार ग्राफ शो होगा फाइन नाउ इसको एग्जीक्यूट कराते हैं नौ सी आपका बार ग्राफ आ गया है ओके एक्स एक्सिस पे आप देखोगे एक्स एक्सिस पे आपके क्या है आपके लेबल्स आ गए हैं जो आपने दिए पाइथन सी प्लस प्लस जावा राइट और वाई एक्सिस पे आपकी क्या आ आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए राइट right? मतलब जिन्होंने ऑप्ट किया है राइट ओके ओके अब हम क्या देंगे अब हम देते हैं इसके अंदर एक्स लेबल देते हैं राइट right? ओके okay, तो हम अगर आपको एक्स एक्सिस पे क्या देना है लेबल देना है तो आप क्या यूज करोगे आप उसके लिए यूज करोगे पीएलटी डॉट एक्स लेवल एल ए बी एल लेबल ओके और जो भी आप इसके अंदर देना चाहते हो आप जो भी लेबल देना चाहते हो आप लिख दोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस ओके और वाई एक्सिस पे आप कौन सा लेबल देना चाहते हो तो वाई एक्सिस के लिए पी एल टी डॉट क्या दोगे वाई लेबल वाई लेबल और मैं इसमें लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने बच्चों ने इसको लिया है मतलब कितने बच्चों ने किस लैंग्वेज को ऑप्ट किया है राइट राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके अब हमने ले लिया है एक्स लेबल और वाई लेबल अब हम क्या करते हैं इसको टाइटल दे देते दे 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 हैं इसको हम टाइटल भी दे देते दे हैं पीएलटी डॉट टाइटल अपने बायोग्राफ को हम टाइटल दे देते दे दे हैं तो इसको सिंपल हम बार प्लॉट ही दे देते हैं टाइटल तो यहाँ पे मैंने दे दिया बार एंड बार प्लॉट राइट ओके तो यहां पे बारे वाई लेवल दिया एंड टाइटल लिया अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं राइट राइट नाउ लुक एट दिस अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स लेवल आ चुका है आपका लैंग्वेजेस एक्स एक्सिस पे ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका आ गया वाई एक्सिस पे और आपका बार प्लॉट क्या आ गया टाइटल आ गया फाइन आ गया राइट right. अब देखो अगर आपको क्या करना है इसका फोन साइज चेंज करना है Fine. आपने क्या, आप क्या चाहते हो जो आया है, आपका एक्स लेवल वाई लेवल और जो आपकी आपका जो टाइटल आया है, आप उसका फोन साइज चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे आप एक और यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे ठीक है एक्स लेवल के अंदर वो कौन सा है फोन साइज फोन साइज मान लो मैं इसका दे देती हूँ फिफ्टीन ओके साइज़ आपने क्या दे दिया फिफ्टीन और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल सी और सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ कंट्रोल बी एंड सेम में यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ कंट्रोल बी फाइन तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक एट्रीब्यूट और पास किया है एक्स लेवल वाई लेवल और टाइटल में अब हम क्या करेंगे इसको एग्जीक्यूट अब नो लुक एट दिस अब आप देखोगे जो जो हमारा प्रीवियस साइज था उससे ये साइज क्या हो चुका है बिग हो चुका है आपका राइट जो आपका एक्स लेवल वाई लेवल और आपका टाइटल है उसका साइज अब क्या हो चुका है बिग हो चुका है ओके नाउ अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है यहाँ पर कि बार चार्ट में जो कलर है ओके okay, वो डिफॉल्ट कलर, कलर क्या आ रहा है ब्लू कलर आ रहा है ओके okay? एंड इसकी डिफॉल्ट विथ जो आ रही है वो क्या आ रही है राइट right? जो इसकी डिफॉल्ट विथ होती है वो कितनी होती है जीरो पॉइंट एट यूनिट और इसका डिफॉल्ट कलर क्या है आपका ब्लू कलर है राइट right? तो अब आप क्या करोगे अगर आप इसकी विथ चेंज करना चाहते हो राइट right? तो आप क्या करोगे एक इसके अंदर पैरामीटर पास करोगे बार फंक्शन में ओके बार फंक्शन में आप एक पैरामीटर पास करोगे का ओके okay, एंड वहां से आप क्या कर सकते हो चेंज राइट करती है जीरो पॉइंट एट यूनिट होती है राइट right? तो मैं इसको कर देती हूँ जीरो पॉइंट फाइव यूनिट ओके एंड कलर इसका ब्लू से हटा के कलर एटीब्यूट पास करेंगे हम कलर हमने इसका ब्लू से हटा के क्या कर दिया मैंने यहां पे कर दिया Uh, let us post red कर दिया है कितनी, कितनी होगी है जीरो पॉइंट फाइव यूनिट और कलर पहले क्या था बाई डिफॉल्ट क्या होता है ब्लू कलर होता है अब रेड आ गया है फाइन लेकिन अगर आप चाहते हो कि जितने भी बार्स हैं ओके okay? उनकी विथ अलग अलग हो ओके okay, और जितने भी उनके कलर्स भी अलग अलग हो राइट तो यहाँ पे आप सिंगल वैल्यू ना देके क्या दोगे आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज दोगे लाइक like दिस मैंने यहाँ पे दे दिया जीरो पॉइंट वन फर्स्ट बार की एंड जीरो पॉइंट टू सेकेंड बार जीरो पॉइंट थ्री थर्ड बार एंड जीरो पॉइंट फोर ठीक है इन द सेम वे मैंने यहाँ पे कलर में भी डिफाइन कर दिया मैंने सीक्वेंस में यहाँ पे कलर दिया इसको हम यहाँ से हटा देते हैं अब हम सीक्वेंस में कलर दे देंगे एज अ लिस्ट फर्स्ट का मैंने दे दिया रेड ओके सेकेंड का मैंने दे दिया आपका ग्रीन ओके okay. और देन मैंने दे दिया येलो एंड देन मैंने दे दिया मेजेंडा फाइन ओके अब आप इसको एग्जीक्यूट करो देखो विथ आपकी क्या होगी चेंज हो गई है आपकी पाइथन की जो बार थी उसकी होगी जीरो पॉइंट वन यूनिट ओके सी की आपकी हो, क्या हो गया जीरो पॉइंट टू यूनिट एंड आपकी सी प्लस प्लस की हो गई है जीरो पॉइंट थ्री यूनिट राइट जावा की आपकी होगी जीरो पॉइंट फोर ऐसे ही आपने कलर चेंज किया सबके different color है सबके डिफरेंट कलर दिए हैं पाइथन का आपका रेड कलर है देन आपका ग्रीन कलर है सी का देन येलो है आपका सी प्लस प्लस का एंड मेटा है आपका जावा का ओके okay? अब क्या करना है आपको आपके जो बार्स हैं ओके okay? उनका आपको क्या देना है एच कलर देना है राइट right? बार्स को आपने क्या देना है एच कलर देना है तो हम बार फंक्शन में एक पैरामीटर और पास करेंगे यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आप पास करोगे आप पास करोगे एच कलर जी ई एच ओके सी ओ एल ओ आर कलर राइट right? और मान लो मैं दे देती हूँ ब्लू कलर एच कलर आपने क्या दे दिया ब्लू कलर दे दिया है right? राइट अब आप क्या करोगे इसको एग्जीक्यूट करोगे फाइन तो यहाँ पे आई थिंक ये विजिबल होगा आपको कि इसकी आउटलाइनिंग आ गई जो बार्स है उनकी आउटलाइनिंग आ गई है किस कलर में आ गई है ब्लू कलर में आ गई है फाइन तो यहाँ पे आपने क्या किया है एच को कलर दिया है बार्स की एच को आपने क्या दिया है कलर दिया अगर आपको इस एज की क्या करनी है विथ इंक्रीज करनी है राइट right? एज की विथ राइट right? तो आप कौन सा पैरामीटर दोगे आप दोगे लाइन विथ लाइन विथ ठीक है बार फंक्शन के अंदर लाइन विथ इक्वल्स टू जैसे मैंने लाइन विथ दे दी मान लो मैंने दे दी फाइव ओके लाइन विथ दे दी आप मैंने फाइव अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अब देखो ये इंक्रीज हो गई जो इस इसकी एज थी वो क्या हो गया वो हो है वो इंक्रीज हो गई है राइट वो अब फाइव हो गई है तो आपने क्या किया यहाँ पे उसको इंक्रीज कर दिया है को आप अगर क्या करना चाहते हो आप जो आपका एज है ठीक है उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप एक पैरामीटर क्या दोगे लाइन स्टाइल लाइन स्टाइल और लाइन स्टाइल में आप क्या करोगे डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्टाइल्स होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कॉलम कॉलन दे दो या डबल डैश दे दो राइट right? मैंने कॉलन दे दिया आप इसको क्या करोगे एग्जीक्यूट करोगे तो आपका एच का क्या होगा देखो एच का स्टाइल चेंज हो गया है फाइन आपका एच का स्टाइल क्या हो गया है चेंज ओके okay? चलो अब मैं क्या करती हूँ इसकी विथ को सिंगल स्केलर वैल्यू दे देती हूँ जीरो पॉइंट फाइव दे दिया कलर, कलर यही रहने देते हैं ठीक है है अब मैं जो next parameter है, वो आपको दिखा रही उससे आप क्या कर सकते हो अपने ग्राफ को थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो राइट तो उसमें कौन सा पैरामीटर आप पास करोगे आप पास करोगे अल्फा पैरामीटर राइट अल्फा पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो जीरो टू वन होती है राइट तो आप जीरो से लेकर वन तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया जीरो पॉइंट फाइव लेटेस्ट पोस्ट मैंने दे दिया जीरो पॉइंट फाइव एल्फा की वैल्यू एंड देन एग्जीक्यूट दिस तो देखो आपका चार्ट क्या है ब्लर हो गया है अगर मैं इसको थोड़ा और कर देती हूं जैसे मैंने सी कर दिया अगेन एग्जीक्यूट दिस राइट और ब्लर हो गया तो आप इसमें जीरो टू वन कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कोई भी फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं राइट right? इससे क्या है आपका चार्ट क्या हो गया है ब्लर हो गया है फाइन तो अब हमने सारे एक्ट्रीब्यूट कर लिए क्रिएट करना चाहते हो आप हॉर्जोंटल हो तो आप बार फंक्शन की जगह कौन सा फंक्शन यूज करोगे आप बार एच फंक्शन का यूज करोगे राइट right? ओके okay? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये हॉर्जोंटल ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई बन जाएगा और वाई एक्सिस एक्स बन जाएगा इसको एग्जीक्यूट करते हैं राइट right? अब देखो यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल बायोग्राफ बन गया है एक्स एक्सिस कहाँ चला गया वाई एक्सिस पर और वाई एक्सिस आपका कहा चला गया एक्सिस पर राइट हॉरिजॉन्टल बायोग्राफ से राइट right? तो मुझे अब क्या चाहिए मल्टीपल बायोग्राफ कर के लिए ओके okay? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल बायोग्राफ राइट यहाँ पे आपने क्या किया है ये सिंगल बायोग्राफ है राइट ओके मल्टीपल बायोग्राफ्स अगर आपको क्या करने हैं प्लॉट करने हैं ओके तो आप क्या करोगे यहाँ पे देखो मेरे पास था एक्स सिक्वेंस वाई सिक्वेंस ओके तो एक सिक्वेंस और हम लेते हैं हम लेते हैं जी ओके और इसमें भी मैं कर लेती हूँ वैल्यूज दे देते हैं इसके अंदर ठीक है फाइन इसमें मैंने वैल्यूज दे दी है राइट अब एक बायोग्राफ जो एक बायोग्राफ है वो किसको प्लॉट करेगा एक्स इन वाई को प्लॉट करेगा और एक करेगा एक्स इन जी को प्लॉट राइट right? तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसका कलर दे देते दे, हैं हम लोग कलर इसका दे देते हैं रेड फाइन ओके एंड इसका लेबल दे देते दे हैं इसका लेबल दे देते दे दे हैं नंबर ऑफ बॉयज ठीक है ये लैंग्वेज नंबर ऑफ बॉयज को पसंद है मतलब इतने बच्चों ने इतने बॉयज ने इसको ऑप्ट किया है ठीक है नंबर ऑफ बॉयज दे देते हैं इसको हम लेबल एंड एक सिक्वेंस हम और इसमें प्लॉट करेंगे मल्टीपल बायोग्राफ बना रहे तो यहाँ पे हमने दे दिया एक्स एंड जी ओके एंड इसका कलर हमने दे दिया है इसका कलर हमने दे दिया है येलो ले लो येलो ओके okay, एंड इसका लेबल ले लो आप नंबर ऑफ गर्ल्स इतने गर्ल्स ने ये वाली लैंग्वेज ऑप्ट की है राइट अब लेबल दिया है तो आप क्या करोगे लेजेंड फंक्शन लोगे यहाँ पर ठीक है लेजेंड को शो करने के लिए लेजेंड राइट तो मैंने यहाँ पे क्या किया है मल्टीपल बायोग्राफ अभी हम बना रहे हैं राइट ओके इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे नाउट लुक एट दिस अभी यहाँ पे क्या है ओवरलैप हो रहा है ठीक है ग्राफ क्या है यहाँ पे जो रेड कलर है वो क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया है पाइथन को सी को सी प्लस प्लस को और येलो वाला क्या दिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स के कितने गर्ल्स ने इसको ऑप्ट किया है ओके okay? लेकिन ये क्या है ओवरलैप कर रहे हैं राइट right? और मुझे क्या चाहिए मुझे ग्राफ चाहिए साइड बाई साइड राइट जो बार्स बने वो साइड बाई साइड बने ओवरलैप ना करें फाइन उसके लिए अब हम कैसे करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इम्पोर्ट करेंगे numpy library को। Import numpy as np. Right? मैंने np नेम दे दिया है ओके okay. और हम क्या करेंगे यूज यहाँ पे numpy लाइब्रेरी के लिंद स्पेस फंक्शन का यूज करेंगे जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एक्स पॉइंट क्या करेंगे फाइंड आउट ठीक है एनपी डॉट लिंद स्पेस राइट space फंक्शन right? दिया है इसमें मैंने कर दिया वन से लेकर फिफ्टी वन तक की रेंज में ये फोर पॉइंट क्रिएट कर दे एक्स एक्सिस पर राइट फोर पॉइंट ये क्रिएट कर देगा एक्स एक्सिस पर अब देखो अब बार में आपको क्या करना है अब आपको x की जगह क्या लेना है n लेना है ठीक है क्योंकि x पे क्या कर रहा है ये जो पॉइंट्स क्रिएट करेगा उसके ऊपर हमें अपनी बार्स क्रिएट करनी है ठीक है और इसमें अब ले लो आप विद। क्योंकि विद भी डिसाइड करनी पड़ेगी लेट अस सपोज है आपकी फर्स्ट बार की थ्री ओके फर्स्ट बार की आपकी थ्री है एन पॉइंट के ऊपर जो आपने फर्स्ट बार बनाई है उसकी विथ क्या है थ्री ठीक है एन ये क्या है नंबर ऑफ एक्स पॉइंट है ओके जो लिन स्पेस फंक्शन से क्रिएट होंगे फोर पॉइंट्स फोर आ, आ, पॉइंट्स क्रिएट होंगे ठीक है तो यहाँ पे एक्स पॉइंट पर आपका जो फर्स्ट बार है उसकी विथ है थ्री फाइन अब सेकेंड जो है ठीक है वो वो कितना स्पेस क्योंकि ऑलरेडी जो आपका थ्री यूनिट है वो ले चुका है एक बार तो नेक्स्ट जो बार है वो किस पे आएगा एन प्लस थ्री ठीक है ओके एंड यहाँ पे आपने फर्स्ट में आपने वाई था और ये जी है आपका ठीक है पहले आपने क्या लिया था एक्स वाई एंड एक्स जी लिया था अब आपने एक्स की जगह क्या लिया है एन वाई एन एन प्लस थ्री एन जी ओके फाइन अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूं तो यहाँ पे देखो आपकी बार्स आ गई है बार्स आ गई है ठीक है ओवरलैप नहीं है ये बार्स ओके okay? लेकिन क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे आपका जो पहले क्या आ रहा था नेम्स आ रहे थे लैंग्वेजेस के वो नेम्स अब नहीं आ रहे हैं फाइन बार्स तो आ गए हैं राइट ओके एंड साइड बाय साइड आ गए बट अभी नेम्स नहीं आ रहे फाइन तो वो हम कैसे लाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे एक्स टिक्स फंक्शन का ठीक है तो plt. xticks ठीक है एक्स टिक्स क्या होता है एक्स लेवल पे जो ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं आई विल शो यू ठीक है you, इनको टिक्स कहा जाता है ये जो ये जो पॉइंट बना हुआ है जीरो पे आपका टेन पे जो ये लाइन बनी हुई है इसको टिक्स कहा जाता है राइट तो आप क्या चाहते हो आपके एक तो नेम्स आ जाएं राइट ओके तो आपने क्या करना है एक्स टिक्स फंक्शन में आपको पास क्या करना है आपको पास करना है पहले तो लोकेशन ठीक है किस लोकेशंस पे आप नेम्स को चाहते हो तो अभी आपके पॉइंट्स क्या है n पॉइंट्स है ठीक है प्लस आपने क्या कर दिया विथ जो विथ ऑक्युपाई ओरि कंप्लीट और देन आप क्या पास करोगे इसके बाद आपने पास कर दिया कौन से लेबल्स आपको चाहिए ठीक है कौन से इन टिक्स पर आपको कौन से लेबल चाहिए तो मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ इसको मैं को ये ये लेबल्स चाहिए ठीक है तो इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया सिंपल एंड आयल पेस्ट देम हियर ठीक है ओके अब नाउ इसको क्या करेंगे आप ये देखो एरर आ गई एरर क्यों आ गई क्योंकि आपने विथ को डिफाइन नहीं किया है तो हमें यहाँ पे विथ को डिफाइन भी करना है विथ हमारी क्या है थ्री है ठीक है अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करो आप राइट right? अब नाउ लुक एट दिस यहाँ पे आ गया है लेकिन मिड में नहीं आ रहा राइट right? मिड में नहीं आ रहा है आपका फाइन तो आपको क्या करना है मैं चाहती हूँ जो मेरा पाइथन है वो मिड पे आए फाइन तो उसके लिए आप क्या करोगे इसको मिड में लाने के लिए आप क्या करोगे एन प्लस विथ को आप डिवाइड कर दोगे टू से फाइन जिससे वो मिड में एंड देन यू विल एग्जीक्यूट दिस अब देखो आपका मिड पॉइंट पे आ रहा है आपका जो ये आ रहा है ये पाइथन सी सी प्लस प्लस जावा ये कहा आ रहा है मिड पॉइंट पे आ रहा है फाइन तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया मल्टीपल बायोग्राफ्स राइट सो वी हैव कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द बायोग्राफ हियर